जय भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुग्रीव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए अंडर कंस्ट्रक्शन सीरीज में एक 2 BHK का बहुत ही शानदार फ्लैट लेकर आया हूं। ये बिल्डिंग दोस्तों 240 गज की है, जिसमें 2 यूनिट फ्रंट साइड में है और 2 यूनिट बैक साइड में है। अच्छी बात यह है दोस्तों कि जो फ्रंट साइड की रोड है वो करीबन 40 फीट की है और बैक साइड की जो लेन है वो करीबन 18 फीट की है। रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, लिफ्ट भी है, कार पार्किंग भी है दोस्तों, और मेन रोड से 700 या 800 मीटर के डिस्टेंस पर है। बहुत प्यारी और बहुत अच्छी दोस्तों मेकिंग आपको इस फ्लैट की मिलेगी। इस फ्लैट की एलिवेशन बहुत अच्छी है। फ्लैट में अभी काम चल रहा है तो उतना अच्छी गेटअप शायद आपको इसकी ना मिल पाए, लेकिन दोस्तों आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि बिल्डिंग एक्चुअल में बनने वाली कैसी है। जब आप यहाँ आएंगे और साइट की विजिट करेंगे तो हम आपको हमारा जो सैंपल फ्लैट है उसको भी विजिट करवा देंगे। आप देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग हमारी रेडी है वो बिल्डिंग कैसी लगती है दोस्तों। हालांकि आप सारे हमारे YouTube वीडियोस पर वीडियो देखते रहते हैं, जिससे आपको आइडिया तो होगा ही दोस्तों कि आपके अपने जो गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड वाले लोग हैं ये किस तरह से आपके लिए अच्छे अच्छे फ्लैट्स बनाते हैं। इस बिल्डिंग के दोस्तों अगर मैं सराउंडिंग की बात करूँ तो 2 काफ़ी बड़े बड़े स्कूल यहाँ पर आपको मिलते हैं। 12th तक के रिकॉग्नाइज स्कूल हैं और काफ़ी बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स उन स्कूल्स के हैं जो कि बच्चों को काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसके अलावा दोस्तों नियर बाय काफ़ी अच्छे अच्छे बैंक्स हैं, पार्क है, और दोस्तों एक छोटी सी यूनिवर्सिटी भी इसके बिल्कुल नज़दीक है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो नवादा मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। द्वारका बिल्कुल नज़दीक है दोस्तों, द्वारका करीबन 1.5 किलोमीटर या मैक्सिमम 2 किलोमीटर के बाद दोस्तों द्वारका स्टार्ट हो जाता है। तो जितने भी मेरे दोस्त मेरी बहनें गुड़गांव जॉब करने जाती हैं, एयरपोर्ट की तरफ जाती हैं, वसंत कुंज की तरफ जाती हैं, तिलक नगर और अपना करोलबाग की साइड जाते हैं, उन सब के लिए दोस्तों ये फ्लैट बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि पूरी डिटेल आप हमारे इस बिल्डिंग की और इस फ्लैट की ले सकें। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपकी आपके क्वेश्चन हो दोस्तों, तो आप हमें कॉल कीजिएगा, हम आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब जरूर देंगे। तो देर ना करते हुए दोस्तों चलिए चलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ। तो दोस्तों विजिट पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके प्राइजेज, इसकी कीमत जानने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिए, जिसमें हमने सारे प्राइजेज डाल दिए हैं, चाहे वो 40 फीट की रोड की तरफ हो या फिर वो 18 फीट की रोड की तरफ हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं विजिट के लिए। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं हमारी कंस्ट्रक्शन साइट के ठीक बाहर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 40 फीट चौड़ा रोड है और सामने आपको जो ये गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं दोस्तों, ऊपर आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा, यहाँ से जैसे हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे हम लोग पहुँच जाते हैं सीधा मेट्रो लाइन पर। यानी कि मेट्रो लाइन से सिर्फ एक बार आपको राइट टर्न करना है और राइट टर्न करने के बाद हमारी ये 1, 2 और 3 तीसरी ही बिल्डिंग है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि अभी हालांकि यहाँ रोड बना नहीं है, लेकिन दोस्तों बहुत जल्द यहाँ रोड बन जाएगी और रोड बनने के बाद जो इसकी गेटअप है, जो लुक है, वो बहुत ही प्यारी आने वाली है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों हमारी कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एलिवेशन दिखाना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 फ्लैट फ्रंट साइड पर हैं और 2 फ्लैट बैक साइड पर हैं दोस्तों। ये दोनों फ्लैट्स की बालकनी है, अपर, फर्स्ट, सेकेंड एंड टॉप। अभी इस बिल्डिंग में दोस्तों सारे ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारी बिल्डिंग के अंदर। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग अपनी पार्किंग के अंदर एंट्री करते हैं, आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी पार्किंग आपको यहाँ पर मिलती है, और मैं फ्रंट गेट आपको दिखाना चाहूँगा। दोनों तरफ बड़े गेट लगाए गए हैं जिससे कि आप इजीली गाड़ी अंदर पार्क कर सकें दोस्तों। यहाँ पर आपको पार्किंग की किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है, हर बात का खास ख्याल रखा गया है। दूसरा दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरफ के फ्लैट्स के लिए यहाँ पर मीटर सेक्शन लगाया गया है, और ठीक इसी तरह से उस तरफ जो उस तरफ वाले फ्लैट हैं उनके लिए भी वहाँ पर मीटर सेक्शन अलग से बनाया गया है। पार्किंग के अंदर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोटा स्टोन पत्थर लगाया जा रहा है। बहुत जल्द पार्किंग का काम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद बहुत अच्छी गेटअप हमारी इस पार्किंग की आने वाली है। इस तरफ दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ प्रॉपर मोटर सेक्शन बनाया गया है।
आप देख सकते हैं कि जो पाइपिंग का इस्तेमाल किया गया है वो एस्ट्रल पाइप है। एस्ट्रल पाइप दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ पाइप्स है जो कि आजकल यूज की जाती हैं, तो इसमें कभी भी दोस्तों लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आती और कभी मतलब बहुत लॉन्ग लास्टिंग ये हमारी पाइप्स है, इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत लंबे समय तक चलेगी। तो यहाँ दोस्तों अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं अलग अलग हमारे फ्लोर के लिए। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरफ मैं आपको लेके आना चाहूँगा, यहाँ दोस्तों लिफ्ट सेक्शन है, अभी लिफ्ट अंडर वर्किंग है, लिफ्ट का काम अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन बहुत जल्द लिफ्ट का काम शुरू हो जाएगा और आपको यहाँ पर हम लोग 4 पर्सन्स की लिफ्ट लगा कर देंगे दोस्तों, और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की। यहाँ दोस्तों हमारा स्टेयर सेक्शन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बैक की रोड भी दिखाना चाहता हूँ। बैक की रोड भी दोस्तों इसमें वाइड रोड है तो आराम से गाड़ियाँ फ्रंट साइड से और बैक साइड से दोनों तरफ से आ सकती हैं। अभी यहाँ आई थिंक लॉक किया हुआ है, तो माफ़ कीजिएगा मैं ऊपर से आपको, बालकनी है, बालकनी से मैं आपको बैक की लेन दिखा दूंगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारी फर्स्ट फ्लोर की तरफ। स्टेयर केस को दोस्तों काफ़ी अच्छा रखा गया है, आप देख सकते हैं कि ग्रेनाइट पत्थर का यहाँ इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि जो हमारी गेटअप है हमारे स्टेयर्स की वो काफ़ी अच्छी आ रही है। और जब इस पर कंप्लीट फिनिशिंग हो जाएगी, पॉलिश हो जाएगी और जब इस पर दोस्तों फाइनल टच आ जाएगा, तो इसकी जो गेटअप है, जो इसकी शाइनिंग है इस पत्थर की, वो बहुत अच्छी आपको लगने वाली है। ऊपर आने के बाद दोस्तों ये हमारी कॉमन लॉबी है, इस कॉमन लॉबी के ठीक इस तरफ हमारा एक फ्लोर है और इस तरफ हमारा दूसरा फ्लोर है। और ठीक इसी तरह से दोस्तों जब इस पैसेज से हम लोग 18 फीट की लेन की तरफ जाएंगे तो 2 फ्लैट हमारे लेफ्ट और राइट की तरफ है दोस्तों। यहाँ हमारा लिफ्ट सेक्शन है, लिफ्ट हमारी यहाँ पर ओपन होगी दोस्तों। तो चलिए आज हम जिस फ्लैट की बात करने वाले हैं, सबसे पहले उस फ्लैट में मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ से दोस्तों हमारी फ्लैट की एंट्री है और जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो ओपन एरिया है, जो लिविंग स्पेस है दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अच्छा है। अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है दोस्तों, तो अभी इसे वाइट वॉश कंप्लीट नहीं हुआ है, जस्ट एक सैंपल रेडी हुआ है और सैंपल भी पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है। फिर भी आपको एक थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है दोस्तों। चलिए बात करते हैं हमारे लिविंग स्पेस के साइज़ की। तो इसका जो साइज़ है दोस्तों वो करीबन 13 फीट बाय और 11 फीट का है। 11 फीट बाय और 13 फीट का बहुत ही प्यारा साइज़ होता है दोस्तों। यहाँ पर आपको एल शेप में सोफे की प्लेसमेंट मिलेगी, आराम से यहाँ 5 से 6 लोग दोस्तों बैठ सकते हैं। इस तरफ आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि जो LED पैनल है वो वुडन में बनाया गया है और काफ़ी अच्छे से इसे डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आप TV लगा सकते हैं, स्विच एंड सॉकेट्स आपको प्रॉपरली मिलते हैं। यहाँ पर आपको डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए, अपने लिविंग स्पेस को और अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी आप अच्छा यहाँ पर लगा सकते हैं दोस्तों। और नीचे भी काफ़ी बड़ी बड़ी ड्रॉजेज दी गई हैं दोनों तरफ, जिसमें कि काफ़ी सामान आप यहां पर भी रख सकते हैं दोस्तों। घर के अंदर छोटी छोटी चीज़ें रखने का स्पेस अक्सर नहीं मिलता दोस्तों, तो उन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए ये स्पेस आपको यहां पर दिया हुआ है। फॉल सीलिंग के डिज़ाइंस अभी शायद आप प्रॉपरली नहीं देख पाएंगे दोस्तों, लेकिन फॉल सीलिंग प्रॉपर रूफ को कवर करती है। LED लाइट्स एंड कॉब लाइट्स के साथ इसका जो गेटअप आने वाला है बनने के बाद, वो बहुत ही प्यारा आने वाला है। ये जो पूरी एल शेप की वॉल है दोस्तों, ये आपको डिज़ाइनर वॉल मिलेगी। यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारा डिज़ाइनर वॉलपेपर मिलेगा। लास्ट वीडियो में भी जैसे मैंने आपको बताया था कि अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट लेने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उसमें एक बेनिफिट ये भी है दोस्तों कि आप अपनी पसंद का वॉलपेपर यहाँ पर चूज कर सकते हैं, अपनी पसंद के पेंट कलर्स आप चूज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा लिविंग स्पेस। लिविंग स्पेस के बिल्कुल साथ में हमारी किचन है। किचन दोस्तों हमारी एक तरीके से ओपन किचन भी है और थोड़ा सा ये सेपरेट भी करती है। ये जो वॉल है ये हमारी किचन को और हमारे लिविंग स्पेस को थोड़ा सा सेपरेट भी करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों इस सेक्शन की। फ्रिज के लिए ये प्रॉपर स्पेस बनाया गया है, काफ़ी बड़ा स्पेस है। अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो लगभग दोस्तों 2.5 फीट बाय और 2.5 फीट का ये स्पेस यहाँ पर दिया गया है। स्विच एंड सॉकेट प्रॉपरली यहाँ दिए गए हैं। यहाँ आप अपना फ्रिज रख सकते हैं, फ्रिज चाहे कितना भी बड़ा हो आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर रहे हैं किचन की। किचन का जो साइज़ है वो करीबन दोस्तों 8 फीट बाय और लगभग 4.5 फीट का है। और किचन के अंदर दोस्तों आपको एल शेप का टॉप मिलता है, डबल मोल्डिंग यहाँ भी काम कंप्लीट होगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, डबल मोल्डिंग का काम किया जा रहा है। इस तरफ दोस्तों आपको प्रॉपर ड्रॉजेज मिलते हैं, काफ़ी स्मूथ चैनल्स का इस्तेमाल किया गया है।
इसके अंदर दोस्तों जो स्टेनलेस स्टील की बास्केट्स लगाई गई हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, रस्टलेस है, कभी भी उसमें जंग नहीं लगने वाला। क्योंकि दोस्तों ये सेमी मॉडुलर किचन है तो इसके अंदर यहाँ आपको हम लोग एक चिमनी लगा के देंगे, इंस्टॉल करके देंगे, और आप देख सकते हैं कि अंदर और बाहर प्रॉपर माइका लगाकर आपको बहुत ही प्यारा स्टोरेज आपको किचन के अंदर मिलता है। इस किचन के अंदर दोस्तों काफ़ी बड़ी साइज का सिंक लगाया गया है, जिससे कि आपको अपने यूटेंसिल्स, अपने बर्तन साफ करने में कभी भी परेशानी ना आए। और एक बड़ी खूबसूरत बात है दोस्तों इस किचन की, और वो है ये शाफ्ट। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी शाफ्ट दोस्तों यहाँ पे लगाई गई है, काफ़ी बड़ी विंडो लगाई गई है, जिससे कि आपकी किचन में हमेशा फ्रेश एयर आपको मिलती रहेगी और कभी भी घुटन या सफोकेशन आपको दोस्तों नहीं होने वाली। इस किचन के अंदर दोस्तों आप करीबन 5 फीट की हाइट तक आपको टाइल्स मिलेंगी। जगह जगह दोस्तों आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जब भी हम काम करते हैं तो हमें जो किचन अप्लायंसेस हैं उनको चलाने के लिए स्विच एंड सॉकेट चाहिए होते हैं, तो आप देख सकते हैं 2 स्विच एंड सॉकेट यहाँ लगाए गए हैं, 2 सॉकेट और स्विचेस वहाँ लगाए गए हैं दोस्तों, जिससे कि जूसर मिक्सर ग्राइंडर लगाना हो या आपको कुछ भी माइक्रोवेव रखना हो तो किसी भी तरह की परेशानी आपको यहाँ पर नहीं आने वाली। काफ़ी अच्छी किचन है दोस्तों, काफ़ी स्पेशियस है और एक छोटी फैमिली के लिए बहुत ही प्यारी किचन ये बनने वाली है। चलिए दोस्तों मैं इसके बाद अब ले चलता हूं आपको हमारे पहले बेडरूम की तरफ। तो ये है दोस्तों हमारा पहला बेडरूम। इस बेडरूम का जो साइज है वो लगभग 11 फीट बाय और 10 फीट का है दोस्तों। इस बेडरूम के अंदर आपको एक तरफ रूफ हाइट तक की वार्डरोब मिलती है। आप देख सकते हैं कि वार्डरोब बनकर तैयार हो चुकी है, अंदर और बाहर प्रॉपर माइका लगाकर दोस्तों ये बनाई गई है। बाहर की जो गेटअप है, जो माइका का इस्तेमाल किया गया है, वो बहुत ही अच्छा है और प्रॉपर वुडन कलर के अंदर दोस्तों ये है। यहाँ भी दोस्तों आपको फॉल सीलिंग की डिजाइन काफी अच्छे और बहुत ही प्यारे मिलेंगे। इस रूम के अंदर आपको एक तरफ काफी बड़ी विंडो मिलती है दोस्तों। ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट के साथ ये विंडो अटैच की गई है। आप देख सकते हैं ऊपर 1 से 1.5 टन का एसी भी आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आप ये एसी यहाँ पे नहीं लगाना चाहते, यानी कि विंडो एसी आपको नहीं चाहते, देन आपको यहाँ पर जो स्प्लिट एसी की है वो भी प्रॉपर फिटिंग्स मिलती है दोस्तों, आप यहाँ पर स्प्लिट एसी भी लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छा और बहुत प्यारा साइज इसका है दोस्तों। वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसी की फिटिंग प्रॉपर है, फॉल सीलिंग के डिजाइन प्रॉपर है, और इसके अंदर भी दोस्तों आपको एक वॉल जो है वो डिजाइनर मिलने वाली है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो इस रूम का गेटअप बहुत ही प्यारा आने वाला है दोस्तों। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ हमारे कॉमन वॉशरूम की तरफ और साथ में दोस्तों हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ भी। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कॉमन वॉशरूम की। ये दोस्तों हमारा कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम की अगर मैं साइज की बात करूं तो दोस्तों करीबन 6 फीट बाय और 4.5 फीट का हमारा ये कॉमन वॉशरूम है। ऑलमोस्ट रूफ हाइट तक की आपको इसमें टाइल्स मिलेंगी दोस्तों। आप देख सकते हैं अब इसमें फिटिंग्स नहीं लगी है, तो फिटिंग भी यहाँ पर जो लगेंगी वो बहुत क्वालिटी की और जेन्युइन लगने वाली है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको विंडो मिलती है जिससे कि रोशनी प्रॉपर आएगी, वेंटिलेशन की दिक्कत नहीं होगी, और ऊपर आपको एग्जॉस्ट फैन भी लगा कर दोस्तों मिलेगा यहाँ पर। अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इस सेक्शन की। ये जो स्पेस है दोस्तों यहाँ पर आप अपना वॉश बेसिन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पर एक मिरर लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ आपके लिए हो सकती है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम का साइज बहुत अच्छा है दोस्तों, करीबन 11 फीट बाय और लगभग 11 फीट का ही हमारा ये बेडरूम है। ये हमारा मास्टर बेडरूम भी है क्योंकि इसके साथ हमारा वॉशरूम अटैच है। यहाँ भी दोस्तों एक वॉल आपको प्रॉपर डिजाइनर मिलने वाली है। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों इस रूम के अंदर काफ़ी बड़ी वार्डरोब आपको मिलती है जो कि 2 अलग सेक्शंस में बनाई गई है। एक सेक्शन इस तरफ है, यहाँ भी अंदर भी दोस्तों आप देखेंगे कि आपको प्रॉपर ड्रॉजेज यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी वार्डरोब आपको मिलती है जो कि प्रॉपर रूफ हाइट तक की है। अंदर बाहर माइका यहाँ भी लगाई गई है दोस्तों, और काफ़ी अच्छी वुड का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इस तरह दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपको LCD पैनल मिलता है, प्रॉपर वुडन का LCD पैनल है, और आपको स्विच एंड सॉकेट भी प्रॉपरली यहाँ पर मिलते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे सेकेंड वॉशरूम की तरफ जो कि अटैच वॉशरूम भी है। इस वॉशरूम का जो साइज़ है दोस्तों वो लगभग 5 फीट बाय और 4 फीट का है। काफ़ी अच्छा ये वॉशरूम है, सेकेंड वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम है। ऑलमोस्ट 2 फीट तक की टाइल्स इसमें आपको मिलेंगी, फिटिंग्स आपको प्रॉपर मिलेंगे दोस्तों, और जो भी काम यहाँ पे किया गया है प्रॉपर क्वालिटी का है। हमारे हर वॉशरूम की तरह इस वॉशरूम के अंदर भी जो टाइल्स का इस्तेमाल है दोस्तों वो नॉन स्लिपरी टाइल्स हैं, तो फिसलन की दिक्कत कभी भी नहीं आने वाली। इस रूम के साथ हमारा बालकनी का एक्सेस भी है,
तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ बालकनी की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं दोस्तों हमारी बालकनी में। बालकनी की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो दोस्तों थोड़ी ज़्यादा रखी गई है, क्योंकि बालकनी हमारा वॉशिंग एरिया भी होता है, तो यहाँ पर प्रॉपर वॉशिंग के लिए आपको स्पेस मिलेगा। बालकनी की जो चौड़ाई है दोस्तों, वो जैसे कि मैंने आपको बताया करीबन 4 फीट की रखी गई है, और बालकनी की जो लेंथ है वो करीबन 8 फीट की रखी गई है। तो 8x4 की आपको प्रॉपर बालकनी मिलेगी। यहाँ पर आपको वॉशिंग स्पेस मिलेगा, यहाँ पर आपको टैब मिलेगा दोस्तों, जिससे कि आप अपने क्लोथ्स यहाँ पर ईजिली वॉश कर सकें। स्विच एंड सॉकेट आपको प्रॉपरली यहाँ पर मिलेंगे। इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको जो स्टील की रेलिंग है वो प्रॉपरली मिलती है। 304 में ये स्टील है दोस्तों, इसमें कभी भी रस्ट नहीं लगेगा। बात कर लेते हैं एलिवेशन की दोस्तों, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्लैक टाइल और क्रीम टाइल्स का बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन हमारी बालकनी की एलिवेशन के लिए किया गया है दोस्तों। जब भी आप यहाँ बैठेंगे दोस्तों तो काफ़ी अच्छी फील आने वाली है, क्योंकि फ्रंट की जो रोड है वो हमारी 40 फीट की है और बालकनी हमारी काफ़ी चौड़ी है, तो आराम से बैठकर आप यहाँ मॉर्निंग या इवनिंग टी का आनंद भी ले सकते हैं दोस्तों। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा फ्रंट रोड। आज मौसम भी बहुत प्यारा है दोस्तों, बहुत अच्छा मौसम है। फ्रंट की रोड दोस्तों अभी बनी नहीं है, लेकिन जैसे ही ये कम्प्लीट हो जाएगी, अभी इसके लिए बात चल रही है, तो उम्मीद है कि शायद ये विद इन अ मंथ रोड सारी बन जाएगी। और रोड बनने के बाद दोस्तों बहुत ही प्यारी गेटअप हमारी यहाँ पर आने वाली है। तो ये था दोस्तों हमारा 2 BHK फ्लैट, जो कि काफ़ी अच्छी लोकेशन में है और काफ़ी स्पेशियस हमारा ये फ्लैट है दोस्तों। इसमें दोनों बेडरूम्स काफ़ी स्पेशियस हैं, हमारा लिविंग स्पेस काफ़ी स्पेशियस है, इसके अलावा हमारा किचन भी दोस्तों काफ़ी स्पेशियस है, हमें फ्रिज के लिए भी प्रॉपर स्पेस मिलता है। और दोस्तों जो भी काम इसमें करवाया गया है वो सारा ही क्वालिटी का है, आपको कभी भी परेशानी नहीं आने वाली। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की बात करता हूँ दोस्तों, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बहुत हैवी बनाया गया है, जिससे कि आने वाले टाइम में कभी भी आपको किसी भी तरह की परेशानी इस बिल्डिंग में ना आए। तो लिफ्ट है दोस्तों, कार पार्किंग है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, लोन भी आपका 80-85% या 90% भी हमारे कुछ दोस्तों का लोन हो सकता है, अगर उनकी प्रोफाइल उसके अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों जल्द से जल्द अपनी विजिट बुक कराने के लिए आप हमें कॉल कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम आपकी विजिट बुक कर सकें और आप अपने इस बिल्डिंग में अपनी पसंद का घर दोस्तों, अपने पसंद का फ्लैट बुक करवा सकें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका ये अपना चैनल है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।